होके इश्के शाह में बेबाक राही बस्तवी, तवज्जो, होके इश्के शाह में बेबाक राही बस्तवी, पेश फरमाते हैं नाते पाक राही बस्तवी। होके इश्के शाह में बेबाक राही बस्तवी, पेश फरमाते हैं नाते पाक राही बस्तवी। आपको रहना है धरती पर हमारे वास्ते, जाइएगा मत सुए अफलाक राही बस्तवी। यह वक्त आने पे तो जाना ही पड़ेगा। हेलो, जरा इसकी आवाज बनाओ। बाबू कहाँ गए? हाँ आवाज बनाइए आप, अभी ये ढप ढप कर रहा है, इसको टन टन कीजिए, मिक्सर का यूज कीजिए आप। ओके हेलो, चलो ठीक सीटी ना दे बाबू। मेम्बर नूर पे जलवा फरमा, गिरामी वकार हजरात उलमाए अहले सुन्नत, आले रसूल, औलादे अली, नकीबे हिंदुस्तान, मटिया बुर्ज कलकत्ते के कोने कोने से आए हुए जियाले सुन्नी मुसलमानों, दूर बैठी मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसकी थोड़ी वापसी दे दो, वापसी ये है ना, इसको भी चलाओ, इसको थोड़ी वापसी दो। मैं कान का कमजोर हूं, मैं भी सुनूं अपनी आवाज है कि नहीं। इतना बड़ा मजमा, इतनी अच्छी महफिल, इतना अच्छा इंतजाम, राही बस्तवी ने बहुत ताखीर की यहां आने में, बहुत पहले इसको आना चाहिए था। आवाज स्टेज पे नहीं है मेरे भाई, थोड़ी स्टेज पे आवाज दे दो, आवाज भाग रही है धर्मतल्ले की तरफ। अंजुमन आशखाने अहले बैत की जानिब से होने वाला ये पाकीज़ा इजलास अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। मेरे नकीबे हिंदुस्तान ने कोई कसर बाकी ना लगाई है, मैं क़यामगाह से सुन रहा था। मैं तो खादिम हूँ, आया हूँ, थोड़ा बहुत खाया हूँ, हलाल करके जाऊँगा। ये जो नौजवानों ने जो महफिल रचाई बसाई है, नकीबे इजलास ने उन पे भी रोशनी डाली है। मेरे करम फरमा खतीब हिंदुस्तान का मुकम्मल खिताब नायाब, जिससे आप हम सब मुस्तफीज हो रहे थे, वक्त की किल्लत ने आपको रोक दिया, वरना खिताब और कुछ देर होता तो शायद हम और फैजयाब होते। मेरे मोहतरम इमाम साहब, मोहतरम कारी मोहम्मद इलियास साहब कबला, जिनके हुक्म पर, चांद बाबू के हुक्म पर, कमेटी के हुक्म पर ये खादिम हाजिर आया। और मेरा एक चहिता जुगनू, मेरा लाल किधर है? ये सारा मजमा यकीनन कमेटी नहीं, ये सब मजमा भी आशिकाने अहले बैत है, सब हुसैन के मानने वाले हैं। मैं आपका इम्तिहान तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं अभी कुछ पूछूंगा तो बता दीजिएगा ज़रूर। मैं अपना शेरी सफ़र अब शुरू करता हूं, और अगर मैं पढ़ ले गया तो 5 से 7 मिनट आपका वक्त लूंगा, अगर नहीं पढ़ पाया, उम्र का तकाजा है, पूरी ज़िंदगी तो सुनाता ही रहा, आखिरी दौर में सुनना भी तो चाहिए, लेकिन फिर भी ये कौम सुनने का मौका नहीं देती है बल्कि सुनवाती है। तो आप अगर मुझसे सुनेंगे तो मैं सुना दूंगा आपको। मैं तन्हा नहीं पढ़ पाता, मैं हंगामों में पढ़ने वाला आदमी हूं, आप मेरा साथ देंगे तो इंशाल्लाह मैं कुछ देर नाते रसूल के हवाले से आपकी खिदमत करूंगा। आइए बिला ताखीर इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ जी लगा कर बावाज़े बुलंद बारगाह रिसालत माँ सल्लल्लाहु तआला वसल्लम में हदीए दरूद पाक पेश फरमाएं और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना नबीना शफीना मौलाना मुहम्मदी बारिक सल्लम सलातो व सलाम दायमन अली का रसूलल्लाह। अजीजम नदीम रजा फैजी नाते सरवरे का अनाज से मुस्तफीज हो रहे थे, ये सब मेरी कौम के मुस्तकबिल हैं, मौला इनकी उम्र में, इनकी फिक्र में तरक्की अता फरमाए।
जहां जाएं अपना झंडा बुलंद करें। ये नौजवान किधर जा रहे हैं? अच्छा माशाल्लाह, एक बार और जी लगा के दुरूद पाक की डाली पेश कर दें। नहीं याद है, दुनिया में सबसे बड़ा अमल दुरूद पाक पढ़ना है। मेरे भाई पढ़ दो दुरूद पाक, एक बार जोरदार अंदाज में पढ़ दो। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना। मेरे करम फरमा की मोहब्बत का साया अगर मेरे सर पे है तो मैं एक नहीं अनेक पढ़ूंगा इंशाल्लाह। मटिया बुरुज में बताऊं कब आया था? 36-37 साल पहले आया था, बल्कि 38 साल पहले आया था। जो बच्चे नहीं आए थे वो दुनिया में आ गए, उनके भी बच्चे आ गए। तो मटिया बुरुज में भूला नहीं हूं। एक नौजवान कोई मटिया बुरुज के दरमियान से खड़ा हो जाए और पूरी बेदारी से एक बार नारा लगा दे, देखू वही मटिया बुरुज है। बेटा आप तो ऐसा हाथ मार रहे थे, अगर आपके हाथ में पत्थर होता तो न जाने कितने सर तोड़ जाते। पढ़ूं मैं पढ़ूं कुछ मिलेगा? अगर दोगे तो मेरा भी दिल बढ़ेगा भाई। देखा 50 चांद बाबू ने एडवांस में 100 रुपया दे दिया। याद ना नाते रसूल सुन के आप नज पेश करते हो इसका सवाब मिलेगा, और नाते रसूल सुनने के लिए पहले दो कि इसमें और अकीदत झलकती है कि हमें नाते रसूल सुना दे राही बस्तवी, ये नजराना मुझसे पहले ले ले लेकिन मुझे आका की नात सुना दे। है जज्बा किसी के अंदर कि आका की नात सुनने के लिए मुझे 10 रुपए दे दे, 20 दे दे, 50 दे दे, 100 दे दे, मोदी भाई वाला लाल हरा नोट दे दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, कई 10 ही लेके आए। घबराओ नहीं, मोदी भाई ने नोटबंदी करवाई, मेरी हुकूमत आई 10 का नोट बंद करूंगा। माशाल्लाह भाई जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत पैसे आ गए भाई। लाओ सरकार की नाच सुनाऊंगा। मैं तो समझे ये भी दे रहे तो बाईपास निकल गए। माशाल्लाह बस काम चल गया, एक झोंका और आ जाए तो टिकट का पैसा आ जाएगा। बहुत अच्छा लगा आपने दिया राही बस्तवी के सिक्के के दोनों रुख देखो आप। मैं लेता जरूर हूं लेकिन इस जलसे से, इस कमेटी से, इन नौजवानों से इतना खुश हूं कि मैं दुआ करता हूं कि मौला इन्हें इतना बुलंदी अता कर दे कि आइंदा साल ये जलसा कॉन्फ्रेंस की शक्ल में नौजवान करें। चांद बाबू अपनी पूरी टीम को लेकर पूरी तैयारी से जलसा कीजिएगा, और अब की बार अगर मुझे वक्त लगा तो मैं अपने टिकट से आ जाऊंगा, मैं वादा करता हूं इंशाल्लाह ताला। लेकिन अगर यही जज्बा रहा तो यकीनन ये कमेटी परवान चढ़ेगी। हम अपने नौजवानों को दे रहा हूं, इस पैसे को ले लो, आइंदा जलसे की तैयारी इसी साल से शुरू कर दो। इंशाल्लाह ताला मैं वादा करता हूं मैं आऊंगा। ये सारा पैसा नौजवान कमेटी जो आशाने हले बैठ है उनके हवाले करता हूं। इस पैसे से जो नाते रसूल का नजराना है इसे ले जाओ, और जब तक नाते रसूल पढ़ूंगा जितना नजराना मिला सब अंजुमन आशाने हले बैठ को दे रहा हूं। तो निकालो निकालो पूरा मजमा एक बार दोनों हाथों को उठाए कह दे या रसूल अल्लाह। आशाने हैं बैत कमेटी है ना,
तो एक बार कह दो या हुसैन। सब हाथ उठ गए, दाएं बाएं देखा, स्टेज का स्टेज वाले उठवाते हैं। चलिए मैं शुरू करता हूं। माइक, बुढ़ापे पे तरस खाओ, थोड़ी देर तक बोल ले जाओ, जो आई थी रकम वो भी तो चली गई, अब तो तरस खाओ। चार मिसरे हवाले करता हूं, अगर आपने मेरा साथ दिया तो इंशाल्लाह मैं 15-20 मिनट पढ़ूंगा, और साथ दिया तो आधा घंटा पढ़ूंगा, और साथ दिया तो 1 घंटा पढ़ूंगा। मैं आपको बता दूं तो आप कहोगे राही बस्ती मत पढ़ो, अभी चंद महीने हुए हैं मेरा एंजियोग्राफी हुआ है, मैं पढ़ता कैसे हूं ये आपको नहीं मालूम है, कि मेरे आका का कर्म है जो पढ़वाया जा। सब्ज गुंबद कभी मीनार की याद आती है, सब्ज गुंबद कभी मीनार की याद आती है, नाथ पढ़ता हूं तो सरकार की याद आती है। सब्ज गुंबद कभी मीनार की याद आती है, नाथ पढ़ता हूं तो सरकार की याद आती है। आज खाने अहले बैत ने खातून का जब जिक्र कहीं होता है, फातिमा जहरा के किरदार की याद आती है, नाथ पढ़ता हूं तो सरकार की याद आती है। चार मिसरे भी ताजा ताजा हुए हैं, बिल्कुल हर मिसरे से भाप निकल रही है। आमद के शेर आज रबीउल अव्वल शरीफ की 7वीं तारीख है ना, अब तो 8वीं लग गई, 8 लग गई ना। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, इमाम साहब, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। यार क्या शेर हुआ। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता, और आका की विलादत पे जो करते हैं चरागाह, आंगन में कभी उनके अधेरा नहीं होता, सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। अच्छा, आंगन में पूरी रात तहत में पढ़ता रहूं तो एक अठन्नी न मिली हिम्मत, ऐसा लगत है ना, ना निकालो। चलिए मैं एक बीमार हूं, कम से कम इस पे तो तरस खा के निकालो। कलकत्ते वालों, यही एक बीमार की है दुआ, यही एक बीमार की है दुआ, मदीने बुला लीजिए। यही एक बीमार दुआ, मदीने बुला लीजिए। हजरत, यही एक बीमार की है दुआ, मदीने बुला लीजिए, आका कहीं मर न जाए, जाए गुलाम आपका
खा के जब स्टेज पे आया हूँ दोस्त, व्यायामगार पे दवा पूरा झोला लेके चलता हूँ मैं। वो बीमार गम कोई चारा नहीं है, तबीबों भी सहारा नहीं है, हजारों मरस की यही है दवा, मदीने बुला। अरे हजारों मरज की यही है दवा, मदीने बुलाने जिए। आप बिल्कुल इत्मीनान से बैठे हैं और खूब सुन रहे हैं आप। मैं दो तीन कलाम जब पढ़ लूंगा नकीब साहब, तब जाके मेरा लोहा गर्म होता है। और उसके बाद अभी अभी इसका टेंशन न लेना, ये शहीद आजम शोदाए करबला कॉन्फ्रेंस है ये, तो शोदाए करबला कॉन्फ्रेंस है तो मुझे मनकमत के भी कुछ शेर पढ़ने हैं और नाते सरवरे कायनात भी आपको पहुंचाऊंगा आप तक इंशाअल्लाह। बस और आमद रसूल पे भी कुछ शेर पढ़ने हैं। क्या आवाज है शेर सुनिए साहब, चांद साहब आप लोग पूरी जिंदगी के साथ बैठे तो सरकार की महफिल है, कुछ नहीं बोले तो अपने मन में सुभान अल्लाह कह दिया करें तो नेकियों से मालामाल हो जाएंगे। जो शख्स एक बार सुभान अल्लाह कहता है उसे 90 नेकियां मिलती हैं, इसलिए कि सुभान अल्लाह के एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां अल्लाह ताला अता करता है। तो सुभान अल्लाह में 9 हरूफ है मियां, 90 नेकियां आपके नाम आमाल में लिख दी जाएंगी, इसलिए पूरा मजमा सुभान अल्लाह कहता ही रहे। मैं कहता नहीं हूं कि कहिए, एक बार जी लगा के दरूद शरीफ पढ़ दो। अरे दरूद शरीफ पढ़ दो भाई, अभी एक शेर ऐसा पढ़ूंगा कि सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते आप बगैर दरूदे पाक पढ़े हुए मान नहीं सकते, ऐसा शेर पढ़ूंगा मैं। मगर पहले मैं मरकबत के कुछ शेर पढ़ दूं। कुर्बान खुद को करके कुर्बान, खुद को करके मुसल्ला बचा लिया। अबे मनकबत, मनकबत हम लिखते हैं, मनकबत हम पढ़ते हैं, सुनो चाहे यहां बैठे हो चाहे दूर बैठे हो, लेकिन सुनो कि मनकबत हम कैसे पढ़ते हैं। कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया, कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया, सर दे दिया हुसैन ने, सर दे दिया हुसैन ने, सजदा बचा लिया। खुद को करके मुसल्ला बचा लिया, कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया। उनको जरा सामने कुर्सी पे बिठाओ ताकि मेरे पास आने में आसानी हो। 500 का नोट, इसके बाद तो इंडिया की एक ही करेंसी बची है जो गुलाबी कलर की है, और जब तक वो करेंसी आ नहीं जाएगी तब तक मैं पढ़ता रहूंगा चाहे फजर की अजान हो जाए। करेंसी आएगी, मियां अभी आएगी,
हुसैन के नाम पे वो करेंसी मचल रही होगी किसी आशिक की जेब में। करेंसी करेंसी 500 500 सर दे दिया हुसैन ने सजदा बचा लिया कुर्बान खुद को कर के मुसल्ला बचा लिया। दीने इसी पे आएगी मोदी भाई वाली आखिरी करेंसी जो बंद होने वाली है, जल्दी से निकाल दो वरना वो भी गई। दीने नबी बचा लिया इतना ही मत कहे, दीने नबी बचा लिया इतना ही मत कहे, कहिए कहिए شاعر ہندوستان حضرت راہی بستری شہدائے کربلا کانفرنس نوجوانان نوری بگان نوجوانان میٹھا تالاب نوجوانان مٹیا برج مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مجاہد ملت فیضان اعلی حضرت یار لال تو آئی مگر چھوٹی والی آئی کہاں رک گئی تو نوٹ رکنے والی تو نہیں تھی आएगी मैंने ऐलान कर दिया है ना जब तक नहीं आएगी मैं पढ़ता रहूंगा अंजाम कुछ भी हो। दीने नबी बचा लिया इतना ही मत कहे, कहिए कहिए अली के लाल काबा बचा लिया कुर्बान खुद को। यो छोटी आई है तू मेरा इम्तिहान ले रहे थे मैंने ऐलान कर दिया अगर बाहर से नहीं आई तो अंदर से निकाल दूंगा। रोजा नमाज रोजा रोजा खुश रहिए आप साल में रहिए खुश रहिए अब की लाल वाली आएगी इंशाल्लाह। रोजा नमाज दीन मोहम्मद की अजमत रोजा नमाज दीन मोहम्मद की अजमत भाई कुमार साहब ने कुर्सी बिठा दो। अच्छा वही रहने दो, वहां से ढूंढ के निकालने में आसानी रहेगी उनको, है कि नहीं? कि कौन सी भेजे कि कौन सी भेजे वही रहिए जरा मेरे माशाल्लाह। शेर सुनिए साहब, आप जब पूरे रंग में आ जाएंगे तब मैं कलाम शुरू करूंगा। अभी तो प्लेटफॉर्म बिछा रहा हूं, है कि नहीं? अरे इमाम साहब क्या बात है, शाबाश जीते रहिए, बहुत होशियार है आप। ये मटिया बुरुज है, यहाँ के लोग कम होशियार नहीं है, यहाँ बच्चे नौजवान क्या बुढ़े जिनकी फिक्र से
बड़े बड़े मसले हल होते हैं। आप समझते क्या हो मटिया पुरुष कि अकलमंदी पे एक बात बता दूं, यहाँ के बुड्ढे को फांसी की सजा हो गई, हालांकि ऐसा कभी नहीं होगा, मगर जब हो गई तो पूरा खानदान रोने लगा, कहने लगा बाबा अब तो आप चले जाएंगे। बुड्ढे ने कहा चल हट, कौन है जो मुझे मारेगा। कहा नहीं बाबा, सजा सुना दी गई, जज ने सुना दिया कि आपको फांसी की सजा हो गई। सारा खानदान रो रहा था, तारीख आई, बुड्ढे को पुलिस ले गई, फांसी के तख्त पे खड़ा किया, सामने जज आया। जज ने कहा बाबा अब तो आप जा रहे हो, कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो। बुड्ढे ने कहा पूरी करोगे, तो जज ने कहा हाँ, तो बुड्ढे ने कहा मेरी जगह पे आप खड़े हो जाओ। कितने होशियार मटिया पुरुष के लोग हैं, इन्हें जो बेवकूफ कहें खुद बेवकूफ है। क्या बात है, कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया, सर दे दिया हुसैन ने सजदा बचा लिया। कुर्बान खुद को करके मुसल्ला बचा लिया। अगर आप मैंने मनकबत के शेर यूँ पढ़ रहे थे कि चूंकि बैनर मैंने देखा था जश्ने शहदाए करबला बनामे ये इजलास है, तो इसलिए पढ़ना जरूरी था। मैं नाते रसूल आप तक पहुंचा रहा हूं और कोशिश करूंगा कि कई जबान में आपको सुनाऊं, मगर पूरा मजमा एक बार मेरी दिलजोई के लिए ताकि मेरा हौसला बढ़े। आप बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ दो जोर से। थोड़ा आप पूरे रंग में सुनिए तो मैं भी पूरे रंग में सुना सकूंगा। आप बिल्कुल ढीले ढाले रहोगे तो आओ जल्दी आओ। आ रहे हो कि जा रहे हो? पहले कुछ शेर में आमद पे पढ़ दूं जो मुझे बेहद अजीज है, और वो कलाम पढ़ता हूँ जो हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में पढ़ा जा रहा है। सरकार तो मौजूद थे संसार से पहले, अब एक लफ्ज से शेर हुआ है फिर भी आप खामोश हो। सरकार तो मौजूद थे संसार से पहले, संसार से पहले। सरकार तो मौजूद थे संसार से पहले, संसार से पहले। सरकार तो मौजूद थे संसार से पहले, संसार नहीं था मेरे सरकार से पहले, सरकार से पहले। संसार नहीं था मेरे सरकार से पहले, सरकार से पहले। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। कि रब रहमत आलम जिसे कह कह के बुलाता, रब रहमत आलम जिसे कह कह के बुलाता, कह कह के बुलाता। रब रहमत आलम जिसे कह कह के बुलाता, कह कह के बुलाता। रब रहमत आलम जिसे कह कह के बुलाता, था कौन भला अहमद मुख्तार से पहले, मुख्तार से पहले। था कौन भला अहमद मुख्तार से पहले, मुख्तार से पहले। संसार नहीं था मेरे सरकार से।
एक शेर और हवाले करता हूं, समाप्त करना है। थोड़ी सी तवज्जो। वो कौमें मुर्दा हो जाती हैं जिनके रहनुमा खामोश हो जाते हैं। तो इस कौम को जिंदगी देने के लिए इमाम साहब को भी जाने दीजिए। इमाम साहब कह रहे होंगे मेहमान को भेजने के लिए कि बस एक तड़प। हाय हाय हाय, क्या शेर हुआ साहब, गरीबों की जानिब से क्या शेर कह दिया यहाँ आपने, क्या शेर कह दिया। बस एक तड़प देख लूं मैं गुंबद खसरा, गुंबद खसरा, बस एक तड़प देख लूं मैं गुंबद खसरा, गुंबद खसरा, बस एक तड़प देख लूं मैं गुंबद खसरा। ऐ मौत न आना कभी दीदार से पहले, दीदार से पहले, ऐ मौत न आना कभी दीदार से पहले, दीदार से पहले। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नातिया शायरी, हजरत राही बस्तरी, मसलके आला हजरत, शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। बस एक तड़प देख लूं मैं गुंबद खजरा, गुंबद खजरा, बस एक तड़प देख लूं मैं गुंबद खजरा। ऐ मौत न आना कभी दीदार से पहले, दीदार से पहले, ऐ मौत न आना कभी से पहले, दीदार से पहले। संसार नहीं था मेरे सरकार से पहले, सरकार से पहले। एक शेर और हवाले कर दो मोहतरम। ये अंजुमन आशिकाने अहले बैत है ना, इसी हवाले से एक शेर पहुंचा रहा हूं। शेर को बाईपास निकलने न देना, हर शेर की हिफाजत करो भाई। ए लड़के, अरे यार इन्हें खामोश। अच्छा पैसा, तब तो शोर भी कर सकते हो। कि यूं हश्र में हसने करीमे कहेंगे, करीमे कहेंगे, यूं हश्र में हसने करीमे कहेंगे, करीमे कहेंगे, यूं हश्र में हसने करीमे कहेंगे। अरे मिलना है हमें अपने वफादार से पहले, वफादार से पहले, मिलना है हमें अपने वफादार से पहले, वफादार से पहले। संसार नहीं था मेरे सरकार से पहले, सरकार से पहले, सरकार से पहले। अल्लाह अकबर, मेरे कान में नहीं, धीरे से मुझसे कह दिया, जो कह दिया मैं अमल करके दिखाऊंगा। बाबा ने क्या कहा समझ जाओ, ये इश्क बोल रहा है।
बाबा की हर बात पूरी की जाएगी, इसलिए कि हम बूढ़ों की बात ज्यादा मानते हैं ताकि हमारी बात ही सब माने लोग। है कि नहीं? क्या बात है, एक बार पूरा मन में फिर करूं शरीफ पढ़े अल्लाह मसल लेना। बाबा ने एक ऐसे कलाम की फरमाइश चुपके से कर दी है जो शायद आप तक वो कलाम पहुंचा भी हो, वो पूर्वी जबान में है। अब बाबा का इश्क है जो बोल रहा है, मैं उसे कैसे कह दूं कि नहीं भाई, लेकिन मैं बाबा की बात काट नहीं सकता इसलिए कि इश्क से बढ़ कोई चीज नहीं है। इश्क और मोहब्बत में फर्क है। आदमी जब किसी से कोई मोहब्बत करता है तो होशो हवास में रहता है कि मेरे मामू हैं, ये मेरे खालू हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे नाना हैं, लेकिन जब आदमी किसी से इश्क करता है तो खो जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि रिश्ते में कौन है, बस इश्क ही इश्क है। तो ये इश्क की बातें हैं, इसलिए मैं भाई साहब की, हमारे बड़े भाई ही हैं, उनकी हुक्म पे, उनकी फरमाइश पे वो कलाम पढ़ दे रहा हूँ। समाप्ति ए बेटा शोर मत मचा। क्या बात है, जज्बा है वो तो राब ले आओ, सुनियों इंकलाब ले आओ, नजदियों वो तो मेरे आका है, नजदियों वो तो मेरे आका है, तुम रजा का जवाब ले आओ, तुम रजा जैसा है वो तो राग ले आओ, सुनियो इंकलाब ले आओ, नजदियो वो तो मेरे आका है, तुम रजा का जवाब ले आओ, तुम रजा का जवाब। अच्छा अच्छा छुट्टा मत बेटा ना, ये तो अंजुमन आशिकाने अहले बैत का पैसा है, सारा पैसा तो जा रहा है कमेटी को। हाय हाय हाय, एक दीवाना मुझे कोई 100 का नोट दिखा दे चाहे ना दे कि मैं कमेटी को दे रहा हूँ, इन नौजवानों के हौसले को बुलंद कर रहा हूँ ताकि आइंदा का जलसा और कामयाबी की मंजिल पर जाए। है किसी के पास 100 का नोट? 100? अरे बेटा तू तो कमेटी का है, अगर कोई गैर कमेटी का आदमी हो वो दे दे मुझे, नहीं दोगे? वो दीवाना उठाया, हाँ हाँ हाँ, पहले नोट उठाया अब खुद भी उठ रहा है, अल्लाह इन्हें उठने से बचाए। अच्छा वो मोदी भाई वाली नोट नहीं आएगी? अरे कलकत्ता वाले पानी पानी हो गए, तो कलकत्ता की नाक कट जाएगी मुझे लगता है, अगर नहीं आई तो मैं समझूंगा कलकत्ता की नकिया नहीं है। हाँ जेरा कहला, मैं अपने चाचा वाली नाक पढ़ देता हूँ। हाँ ला बेटा ला, कोई बात नहीं, आप देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मेरा एक मिजाज है जो मैं कह देता हूँ, ऐसा ना समझ लेना कि यार ये तो इंटरनेशनल फकीर लगता है,
थोड़ी देर के लिए फकीर ही मान लो लेकिन दीन का काम कर दो तो हमें ये फकीरी बहुत अच्छी लगेगी, है कि नहीं? हाँ 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 हाँ, मगर 100 का नोट नहीं आया। आया चचा कुछ बचा? जीरा का है ना बार बार हम दीना जेब, अरे बेटा इससे काम नहीं चलेगा। जीरा का है ना बार बार हम दीना जेब, ये एक इश्क है, गरीब है, मदीने जाने की तड़प है, सरकार के शहर में जाना चाहता है और रो रो के अब बताओ इतना छोटा है मुझसे कहता इधर आओ, अब मैं मुंडी कितना झुका दूं? वो बच्चा भी फरमाइश करके चला गया। पूरा मजमा पूरी बेदारी से बैठा है, इश्क़े रसूल में झूम रहा है, एक खिताब सुन चुके, दूसरा खिताब नायाब मेरे बाद इंशाअल्लाह आप सुनेंगे, अपने क़ुरूब को मनवर व मुजल्ला फरमाएंगे। मेरे करम फरमा गिरामी वक़ार, क़ियामत आमद है इंशाअल्लाह, थोड़ी ही देर में वो डाइस पर तशरीफ लाएंगे, पूरे खंडर के साथ उनका खिताब नायाब होगा और हम सब अपने क़ुलूब को मनवर व मुजल्ला करेंगे। नोट को गिनिए नहीं जनाब, जब तक 2000 वाला नहीं आएगा तब तक ना गिनना, अगर ना आए तो आपको देना पड़ेगा। अब गिनो तो गिनो नकीम साहब, दिलों को इश्क मोहम्मद से आशना रखना, नकीब साहब शेर सुनिए। दिलों को इश्क मोहम्मद से आशना रखना, दिलों को इश्क मोहम्मद से आशना रखना, फिर उसके बाद ही बख्शिश का आसरा रखना, फिर उसके बाद ही बख्शिश का आसरा। अरे इस मतले में बड़ी मुश्किल खुदा हुआ, ये मतला जहां जहां पहुंच रहा है हर आदमी अपने हिसाब से ले रहा है। जहां रहेंगे सभी इस हबू एला गैरी, मेरे मोहतरम मेरे शेर के आगे आगे चल रहे हैं। सच्ची शायरी वही होती है जिसका पहला मिसरा मैं बोलूं दूसरा मिसरा हाथ बांधते खड़ा हो, लेकिन मैंने उसको तर्जुमे के साथ रखा है। जहां कहेंगे सभी इस हबू के ना गरी, वहां हुजूर बचाए के हौसला रखना, वहां हुजूर बचाए रखना। और एक कलकत्ते वालों, आपने देखा हुकूमत हिंदुस्तान जो हमारे आपके साथ जो खिलवाड़ कर रही है, इसका अंदाजा आपको लगा? कभी ट्रिपल तलाक का मसला है, कभी मुस्लिम पर सल्ला का मसला है, कभी कुरान पाक का मसला है,
और हम खामोशी से खाली सुनते जा रहे हैं राही बस्तवी का शेर। हुकूमत हिंदुस्तान तक पहुंचाओ राही बस्तवी का शेर। सुनने के बाद इस अंदाज में आप इसे सुनेंगे कि आपकी आवाज दिल्ली पार्लियामेंट की दीवार से टकरा जाए। अगर आपने इसे सुना तो मैं समझूंगा कि शेर का हक अदा हुआ, वरना मेरे शेर कहने से कोई फायदा नहीं। नकीब साहब शेर सुनिए बगैर माइक के, शेर सुनिए। वही रहेगा शरीयत का हुक्म है जितना। शेर सुनना वही रहेगा शरीयत का हुक्म है जितना। तुम लाख विधेयक निकालो, लाख विधेयक पास करके बैठो, लेकिन हम तो यही जानते हैं कि जो शरीयत हमारी बोलेगी हम उसी को फॉलो करेंगे। तुम्हारे विधेयक पास करने से कुछ नहीं होता। सुभान अल्लाह। वही रहेगा शरीयत का हुक्म है जितना, तुम अपने पास अदालत का फैसला रखो, तुम अपने पास अदालत का फैसला रखो। शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस शरीयत मोहम्मदी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम अपने पास अदालत का फैसला रखना, तुम अपने पास अदालत का फैसला रखना। एक शेर और आपके हवाले, आखिरी शेर कर दूं फिर मैं तमाम आपकी करता हूं, मगर पूरा मजमा शेर की हिफाजत करना है। क्या बजा आखिरी शेर। सुकून चाहो तो हर पल दुरूद पढ़ते रहो, सुकून चाहो तो हर पल दुरूद पढ़ते रहो, अब मुशायरे की चीज जलसे में नहीं पढ़ी जाती। मैं आपसे माजरा कहते हैं हर मर्ज की दवा रखो ना, इसी को कहते हैं हर मर्ज की दवा रखो ना, इसी को कहते हैं हर मर्ज की दवा रखो ना। तकरीबन एक घंटे हो गए और जिस कदर डॉक्टर ने मुझे इजाजत दी है उससे मैं 15 से 20 मिनट मैं जायद बोल गया। अगर ज्यादा बोलूंगा तो मेरे सीने में तकलीफ भी हो सकती है, इसलिए अगर जिंदगी रही आइंदा आऊंगा तब तक ये एनजीओ भी पुराना हो जाएगा, तब इंशाल्लाह 2 घंटे का फिर रसूल सुनाऊंगा। चचा आप, मेरा ऑपरेशन हुआ है ना, ऑपरेशन की दुनिया पे बहुत संभाल के रखते हैं। बेटा 1:30 बज गए और 1 घंटा तकरीबन हो गया, मैं आपसे माफ़ी चाहूंगा इसलिए कि मैं अगली बार जब आऊंगा तो इस कंडीशन में नहीं रहूंगा कि मेरा ताजा ताजा ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के बाद लाओ कोई ऐसा हिंदुस्तान का आदमी जो 1 घंटा बोल के बता दे मुझे ऑपरेशन हुआ हो और वो भी चेस्ट का, सीने का, और उसके बाद कोई बोल के दिखा दे कि तो मटिया बुरुज के सुन्नी मुसलमानों की मोहब्बत का सदका मिल रहा है मुझे, जो इश्क रसूल में डूब के सुन रहे हैं, इश्क हुसैन में डूब के सुन रहे हैं, उनकी मोहब्बत है जो मैं पढ़े जा रहा हूँ। वरना इतनी देर पढ़ने के बाद तकलीफ हो सकती है, इसलिए मैं आपसे दुआ की दरख्वास्त करता हूँ
اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان نوجوانوں کو بلانے کے بعد جب میں آؤں گا تو ایک گھنٹہ دو گھنٹہ ڈھائی گھنٹہ بیٹا اگر میں چارج رہ گیا ہی تو پھر دوسرا انتظام دوسرا عرس لے کے بتا دیتا ہوں. چھک 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 رہ چلی ہے محبت کی اہل سنت کی. میں دادا مجھے تکلیف ہو جائے گی, میں دادا بولوں گا تو مجھے تکلیف ہو جائے گی, چچا سمجھ ہے. چھک 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 رہ چلی ہے محبت کی اہل سنت کی, دین کے دشمن دیکھ رہے دور کھڑے ٹک ٹک. چھک 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 رہ چلی ہے محبت کی اہل سنت کی, دین کے دشمن دیکھ رہے دور کھڑے ٹک ٹک. چھک 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 رہ چلی ہے امت کی اہل سنت کی اہل سنت کی. نقیب صاحب ایسی نظم ہے, میں نے اس نظم کو ابھی تقریباً 10 روز ہو رہا ہے میں نے کمپنی کے حوالے کر دیا, کمپنی میرے پیچھے پڑی تھی کہ صاحب مجھے دے دیجیے اس کو, اور ایک سال سے پیچھے پڑی تھی, میں نے اس نظم کو دے دیا. اس نے کہا آپ نے جتنی لائنیں جس انداز میں لکھی ہیں میں وہی منظر کشی کر کے اس کو پیش کروں گا اور پوری دنیا کو پیغام دوں گا اس کو بھی ریل کے ذریعے سے. تو میں نے کمپنی کو دے دیا, اب دعا کیجیے کہ بہت اچھے ڈھنگ سے وہ کلام ہندوستان میں پہنچے تاکہ پوری دنیا میں دھیرے دھیرے جائے. یہی سن لی رہی چلی ہے امت کی اہل سنت کی اہل سنت کی اہل سنت کی.